हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे जब हम कोई सैमसंग फोन लेते हैं। जैसे मैंने एक सैमसंग फोन लिया M32, तो इस फोन लेने के बाद मेरा प्रॉब्लम यही हो रहा है। मैं पहले रेडमी का मोबाइल यूज करता था, तो इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है। जैसे रेडमी के साथ इनबिल्ट मिल जाता है, अगर ऊपर ऊपर से ऐसे स्वाइप डाउन करें तो वहां पर ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, लेकिन इस फोन पे नहीं है। लेकिन आप इस फोन पे ऐसे कर सकते हो, ऊपर से आप स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो फर्स्ट आपको जाना होगा गैलेक्सी स्टोर में। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, जस्ट आपको जो काम का चीज है वही बता दूंगा। तो मैंने फोन का अनलॉक कर लिया। अब देखिए, आपका सामने ये ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा गैलेक्सी स्टोर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर है। तो यहाँ पर एक टच करेंगे और इसमें लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं SCR। जैसे आप स्क्रीन लिखेंगे तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद आप देख सकते हैं, इस ऐप को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसी ऐप को आप गैलेक्सी स्टोर में डाउनलोड करेंगे, किसी और ऐप से नहीं, गूगल प्ले स्टोर से नहीं, गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड करेंगे। जैसे यहाँ पर अनइंस्टॉल और ओपन दिख रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका सामने ऐसे इंटरफेस दिखाएगा, मतलब एक ऐप दिखाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे एक ऐप दिखाएगा। तो इस ऐप को आपको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आप क्या करेंगे, आप ऊपर में से ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे एंड डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आपको वो ऐप नहीं मिलेगी, आइकॉन नहीं मिलेगी। लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर ऐड ऑप्शन है, देख सकते प्लस का एक ऑप्शन है। तो इस प्लस ऑप्शन में टच करेंगे और ऊपर में यहाँ पर देखेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डर ऑप्शन है। तो यहाँ पर खींच के आप ऐसे टच कर होल्ड करेंगे, होल्ड करके ऐसे नीचे ले आ सकते हैं, इधर इधर ले आ सकते हैं, इधर भी आप पहले बार में दे सकते हैं। तो ऐसे करके अब यहाँ पर डन मारेंगे, ऐसे डन मारेंगे तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में दिखाया कैसे आप ऐसे बार में, मेनू बार में या ऊपर से जो भी बार कहे थे, इस बार में कैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले सकते हैं सैमसंग मोबाइल में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई सवाल है तो कमेंट करना। तो मिलते हैं।